राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड में राज्य महिला आयोग के अब तक गठन नहीं होने पर चिंता जताई है। आयोग की सदस्य ममता देवी ने कहा कि राज्य महिला आयोग के अब तक गठन नहीं होने से विभिन्न मामलों में पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई मामलों में सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता में कमी देखी जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता देवी दुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न मामलों में पीड़ित महिलाओं की शिकायत और समस्या सुन रही थी। जन सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में आवेदित पाकुड़, साहिबगंज, दुमका एवं गोड्डा जिले से संबंधित कुल 30 मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता देवी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के हित के लिए तत्पर रहती है और जो भी शिकायतें आयोग तक पहुंचती है उन शिकायतों के बारे में बताना चाहूंगी कि किसी की हस्तक्षेप नहीं होती है, तेज गति से सभी शिकायतों का निष्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस जिला से हमारे पास शिकायतें आती हैं, इस शिकायत के आधार पर संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक तथा राज्य के DGP को निष्पादन करने के लिए आयोग द्वारा चिट्ठी दी जाती है ताकि किसी भी कार्रवाई में देरी ना हो। कार्यक्रम के दौरान एक एक कर सभी मामलों की सुनवाई की गई। पूर्व में महिला उत्पीड़न संबंधित पत्रावलियों के बारे में हुई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी दशा में महिला उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक मामले में संबंधित केस के इंचार्ज ऑफिसर तथा आवेदनकर्ता से जानकारी ली गई। सभी मामलों में आयोग द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को समय अंतराल में कार्रवाई पूरा करने का निर्देश दिया गया। आपको बताना चाहती हूँ, आज दुमका में जनसुनवाई हुई और जनसुनवाई में चार जिला साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका का 30 केस का हेयरिंग यहाँ था, जिसमें के और भी केसेस हैं। उस केस के लिए उनको पहले से भेज दिया गया था और सारे को जो पीड़िता थी उनको भी जानकारी दी गई थी। सब लोग उपस्थित हुए और सब पर सुनवाई हुई। लेकिन मैं चाहती थी कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड में महिलाओं के साथ जो ट्रैफिकिंग का मामला है, जो पीड़िता को न्याय मिलने की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें कमी है और आयोग उसको बहुत गंभीरता से देखती है। आगे जिस पर जो निर्देश दिया गया है वो प्रशासन के माध्यम से उसका अक्षर से पालन करें, ये चाहती है। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, ज्वाइंट रेप का मामला है, डॉरी एक्ट का मामला है और पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी का मामला है कि केस दे रहे हैं, केस नहीं लेते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। अभी आप देख रहे थे, एक महिला बता रही है कि मेरे साथ बोल रहे हैं कि हमारे साथ पैसे चाहिए तब हम जाएंगे। ये मामला बहुत ही दुखदायी मामला है जो झारखंड की स्थिति है। झारखंड में राज्य महिला आयोग का गठन ना होना, जिसके लिए मैं झारखंड सरकार को बार बार लिखने का भी काम की हूँ। 2021 से आप देखेंगे कि जो कंपनसेशन महिलाओं के लिए तय हुआ वो भी ना मिला। यहाँ आप पिछले बार देखे, मैं आई थी जिसमें कि स्पेन की एक लड़की के साथ ज्वाइंट रेप का मामला है, वो मामला भी है। एक आप देखे होंगे पेट्रोल से छिड़क के उसको अंकिता जला दिया गया। ऐसा दुमका जिला ही नहीं, पूरा संताल प्रगना महिलाओं के लिए काफ़ी उपेक्षित रहा है। इसलिए आयोग को इसमें संज्ञान लेना पड़ा है और ऐसे कोर्ट लगा करके मैं जो महिला है, जो लाचार है, जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए आयोग काम करती है, आगे भी करें। ये पुलिस से डायरेक्शन सीधा है कि उसका जो हक बनता है कानून के दायरे में जो पुलिस को कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई इमीडिएटली करनी चाहिए और समय समय पर इसकी रिपोर्ट आयोग में भेजना चाहिए कि आप अगला स्टेप क्या लिए, अगला स्टेप फाइनल चार्जशीट जमा किए नहीं किए, क्या किए, वो आयोग को भी भेजना चाहिए, जो समय समय पर नहीं भेजा गया है, जिसके लिए कि आज यहाँ पर जनसुनवाई करके सारे का निष्पादन किया गया। टोटल कितने केसेस आए हैं? केस तो बहुत है,
लेकिन जिसमें कि 30 केस को हम लोग फर्स्ट स्टेप में, तो बहुत केस को एक साथ तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन 30 केस इस चार जिला को मिलाकर के आया गया था। और डायरेक्ट में भी जो अभी भी आई हैं उसमें लगभग 6 केस गाड़ी का है अभी। ठीक है।